वेलकम स्टूडेंट्स, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के इस लेक्चर में हमें देखना है टारगेट लैंग्वेज। तो बेसिकली जो टारगेट लैंग्वेज है उसको हमने लास्ट टाइम भी टारगेट मशीन का एक हमने कंपोनेंट देखा है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि जो कोड जनरेटर की जो हमें आउटपुट आती है वो टारगेट कोड होता है हमारे पास। सो बेसिकली फेमिलियरिटी विद द टारगेट मशीन एंड इट्स इंस्ट्रक्शन सेट इज़ अ प्रीरिक्विजिट फॉर डिजाइनिंग अ गुड कोड जनरेटर। कि कोड जनरेटर, गुड कोड जनरेटर डिज़ाइन करने के लिए टारगेट मशीन और इंस्ट्रक्शन सेट इसका पता होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर जो टारगेट लैंग्वेज है वो हमारी असम्बली कोड होगा, यानी कि हमारे पास जो कोड जनरेटर से टारगेट लैंग्वेज जनरेट, टारगेट कोड जनरेट होगा, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो असम्बली होगी, यानी कि असम्बली के अंदर उसकी हम जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब हम एक सिंपल टारगेट मशीन का मॉडल देख लेते हैं कि जो हमारी कोई भी एक सिंपल टारगेट मशीन है उसका मॉडल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखने के जो आपकी टारगेट मशीन होगी ना वो थ्री एड्रेस मशीन होगी, यानी कि वो थ्री एड्रेस कोड उसके अंदर यूज़ कर रहे होंगे हम, और उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस जो है वो मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट किए हैं कि उसके अंदर ऑपरेशंस कौन से होंगे। अब उसके अंदर आप देखेंगे तो एक ऑपरेशन है लोड का ऑपरेशन, जिसका मतलब है कि हम इसको लिखेंगे LDR, X का मतलब है कि कोई एक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू हमने रजिस्टर r में लोड करनी है। इस तरह से अगर मैं लिखूंगा LDR1, R2, इसका मतलब है एक रजिस्टर R2 की वैल्यू दूसरे रजिस्टर R1 में लोड करनी है। तो इस तरह से मैं किसी भी वैल्यू को रजिस्टर में लोड करता हूँ। दूसरा ऑपरेशन है स्टोर का। स्टोर के ऑपरेशन को जो हम लिखेंगे ST से। ST स्टोर का मतलब है कि X, R का मतलब है कि रजिस्टर की वैल्यू आप एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप लोड करते हैं तो हमेशा आप वैल्यू रजिस्टर में लोड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू लोड हुई है वो रजिस्टर में लोड हुई है, चाहे वो किसी वेरिएबल से लोड हुई हो, चाहे वो आपके पास किसी रजिस्टर से लोड हुई हो, लेकिन जो वैल्यू आपके पास लोड होती है वो हमेशा एक रजिस्टर में लोड होती है। लेकिन जब आप स्टोर करते हैं, स्टोर का ऑपरेशन होता है, तो आपकी वैल्यू रजिस्टर से वेरिएबल में लोड होती है, यानी कि लोड के अंदर जो वैल्यू लोड होनी है वो रजिस्टर में होनी है और स्टोर के अंदर वेरिएबल में सेव होनी है। इसके अलावा हम कंप्यूटेशनल ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि एड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्शन, डिवीजन एक्सेट्रा। और इसके अलावा अनकंडीशनल जंप और कंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप ऐसी जंप्स होती हैं जो हमें बगैर किसी कंडीशन के प्रोग्राम में कहीं भी ले सकती हैं। अगर मैं इसके प्रोग्रामिंग में बात करूं तो प्रोग्रामिंग में इस तरह की जंप्स हम लगाते हैं गो टू से। हम कहते हैं गो टू फॉर एग्जांपल L1, तो लेबल L1 पे हमें ले जाता है बगैर किसी कंडीशन के। और अगर मैं असेंबली में बात करूं तो उसको हम ब्रांच बोलते हैं। हम लिखेंगे BR L के ब्रांच कर दो कहाँ पे, L पे, यानी कि L जो कोई लेबल है उस पर ब्रांच कर दो, उस पर हमें ले जाना है। लेकिन जो कंडीशनल जंप होती है वो प्रोग्रामिंग में हमें पता इफ एल्स होती हैं। इफ की जो कंडीशन होती है वो कंडीशनल जंप होती है, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि इफ लाइक a < 2 देन यहाँ पर जाए, इफ b > 3 देन यहाँ पर जाए, तो वो कंडीशन की बेस पे जंप करते हैं हम। उसको अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे BLTZ, इसका मतलब branch < 0। और भी ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पर एक डिस्कस की है branch < 0 R, L, इसका मतलब है कि R की वैल्यू को चेक करना है कि अगर R की वैल्यू LTZ < 0 है तो आपने जंप करना है L लेवल पे, यानी कि अगर R की वैल्यू < 0 है तो ब्रांच करना है L पे। इस तरह की और भी ब्रांचेस असेंबली में पाई जाती हैं। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपनी एग्जाम्पल से, क्योंकि इस चीज़ का ज़्यादा डिस्कशन मेन होगी वो एग्जाम्पल से ही हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है x = y - z। इसकी सबसे पहले हमने मशीन इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। मशीन इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, यानी कि हमने इसको अपने, आप ये समझें कि ये हमारे पास एक थ्री एड्रेस कोड था। इस थ्री एड्रेस कोड को हमने कोड जनरेटर में पास किया और कोड जनरेटर इसका फिर हमें टारगेट कोड देगा जो हमने भी डिसाइड किया कि असेंबली में होगा। तो सबसे पहले आपने y को लोड किया रजिस्टर के अंदर R1, तो आपने लिखा LD लोड, y को आपने लोड कर दिया R1 में। फिर आपने LDZ R2, यानी कि R2 को आपने Z में लोड कर दिया, यानी कि अगर आप ये समझें कि जो R1 रजिस्टर है R1, तो R1 में आपने y को लोड किया और जो आपके पास रजिस्टर R2 है, R2 रजिस्टर के अंदर आपने Z को लोड किया। अब ये दोनों
रजिस्टर्स में लोड हो चुकी है। अब आपने इनको करना सब्ट्रैक्ट, तो आप लिखेंगे SUV सब्ट्रैक्ट R1, R1, R2। ये जो लास्ट के दो आपके पास पैरामीटर्स हैं, इनका मतलब है कि R1 माइनस R2। ये मैंने यहाँ लिखा भी है R1 माइनस R2, यानी कि Y R1 माइनस R2 का मतलब है Y माइनस Z। Y माइनस Z करे और जो भी इसका जवाब आएगा वो भी एक रजिस्टर में स्टोर कर दे। तो इसी रजिस्टर सपोज R1 में ही स्टोर कर देता हूँ, मतलब जो इसका जवाब आए वो R1 में ही स्टोर कर दिया। उसके बाद अब इसका जो जवाब है वो R1 में पड़ा हुआ है कंप्लीट का। अब उस जवाब को मुझे X में स्टोर करना है, तो अब क्योंकि मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे ST, यानी कि स्टोर की। बिकॉज जब भी हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है तो हम ST यूज़ करते हैं। सो ST X, R1, मतलब R1 के अंदर जो भी इसका आंसर पड़ा हुआ है वो X के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। सो इस तरीके से मैं अपनी इस जो एक 3 एड्रेस कोड था उसका मैंने सक्सेसफुली टारगेट कोड लिख दिया। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ को लोड करें, हर चीज़ को पहले रजिस्टर में लोड करें, बाद में उसकी कंप्यूटेशन करें, या आप सारे जो हैं उनको ऑपरेशंस को यूज़ करें। आप ये काम ऑप्टिमाइज तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप अगर इसको ऑप्टिमाइज तरीके से करना चाहें तो हम इस तरह से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, असल में मेरे पास था X=Y-D। सब मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ X=Y-Z। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने Y को पहले रजिस्टर में लोड किया, यानी कि इस Y को मैंने R1 में लोड किया। उसके बाद इस Z2 को R1 में लोड नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि मैंने कहा कि R1, Z, मतलब R1 माइनस Z। R1 में पहले ही स्टोर है मेरे पास Y, तो इस Y को माइनस कर दे Y माइनस Z। जी डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है, तो जो भी इसका जवाब आएगा उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ R1 के अंदर, क्योंकि ये मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं यहाँ पर R1 एक रजिस्टर यूज़ करूँ या दोनों यूज़ करूँ। हाँ, यहाँ पर Y, Z हम नहीं कर सकते, आपको रजिस्टर में लोड करना होता है चीज़ को। तो इसने Y को R1 से उठाया, Z को यहाँ से उठाया, और Y-Z करके जो जवाब आया Y-Z का, उसको उसने X में स्टोर कर दिया। और X में भी हम डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर रजिस्टर में, आपने उसी रजिस्टर R1 में इसका जवाब स्टोर कर लिया, और फिर वो जो R1 का जवाब था उसको मैंने X में स्टोर कर लिया वेरिएबल में। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर जो अपनी जो 3 एड्रेस कोड था उसको चेंज किया अपने टारगेट कोड में। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। दूसरे एग्जांपल बेसिकली आपकी एक एरे की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करती है। सपोज मेरे पास A एक एरे है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो 8 बाइट्स की हैं, यानी कि हर एलिमेंट 8 बाइट्स का है उसका, और उसकी मशीन इंस्ट्रक्ट, ये मेरे पास एक 3 एड्रेस कोड है जिसकी मुझे मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखनी है नीचे, मशीन टारगेट कोड लिखना है असेंबली में। तो बेसिकली ए, इसका मतलब है कि आई इंडेक्स, कोई भी अगर आई है अरे ए अरे में आई इंडेक्स पर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको बी में स्टोर कर दें। अगर आप ये देखें कि 8 बाइट्स का यहाँ क्या मतलब है, तो उसका आपको मैं ये बता देता हूँ कि सपोज ये मेरे पास एक अरे है, इस अरे के अंदर आप कुछ देख सकते हैं कि 5-6 एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर वैल्यूज हैं। अब इनमें से जो एक लाइक 7 है ना, ये जो एक एलिमेंट है ये एलिमेंट आपका 8 बाइट्स का होगा, अगला भी 8 बाइट्स का होगा, अगला भी 8 बाइट्स का होगा, तो सारे 8-8 बाइट्स के एलिमेंट्स हैं आपके। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये स्टार्ट अगर मैं करूँ 0 से, तो पहले वाला बनेगा 0 से 7, मतलब 0 से 7 जो आपकी बाइट्स हैं वो पहले के लिए हैं, फिर 8 से 15 दूसरे के लिए, 16 से 23 तीसरे के लिए, 24 से 31 चौथे के लिए, एंड सो ऑन। तो सपोज कर लें, इसके लिए मुझे अगर एक कोड लिखना है तो एक कोड समझने के लिए हम सपोज कर लेते हैं आई की कोई वैल्यू। हम कह देते हैं कि मुझे आई की वैल्यू 3 है, सपोज आई की वैल्यू 3 है, तो आई की वैल्यू 3 है मतलब मुझे a of 3 चाहिए, और a of 3 में जो वैल्यू है वो मुझे स्टोर कर देनी है b के अंदर। तो a of 3 में क्या पड़ा हुआ है, यानी कि 3rd इंडेक्स पर इसका पड़ा हुआ है ये वाला 2, ये मुझे चाहिए। तो लेकिन हम असेंबली को तो ये नहीं बता सकते कि हमें इंडेक्स चाहिए, असेंबली को तो इंडेक्स का नहीं पता, उसको हम बताएंगे एड्रेसेस की फॉर्म में। तो अगर तो मुझे ये वाला इंडेक्स चाहिए, तो ये इंडेक्स किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब है किस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करूँ जो मैंने ऊपर लिखी भी है, तो 0 से 7 ये, 8 से 15, 16 से 23, और तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 24 से 31, यानी कि 24 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे असेंबली को ये बताना है कि 24th बाइट अरे के अंदर जो 24th बाइट से जहाँ पे स्टार्ट हो रही वैल्यू वो मुझे चाहिए। तो इसके लिए कोड लिखते हैं,
मैं सबसे पहले मैंने जो आई की वैल्यू थी यानी कि आई की वैल्यू सपोज 3 थी उसको मैंने लोड कर दिया R1 में। उसके बाद अब मुझे डायरेक्ट नहीं बताना 3, अब मुझे 24 चाहिए और इतना मुझे पता है कि जो हर एक बाइट है वो हर एक जो इंडेक्स है वो 8 बाइट का है। तो इसको मैं R1 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, यानी कि जो इंडेक्स 3 है ना, इस 3 है, इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो ये आ गया 24। तो R1 में स्टोर हो गया 24, यानी कि R1 के अंदर आपके पास स्टोर है 24। इसका मतलब मुझे 24 वाले इंडेक्स पे चाहिए। तो अब मैंने लोड किया R2 में, क्या बोला, A जो अरे है वो ब्रैकेट का में हम उसको देंगे उसका जो बाइट्स हैं वो, तो इसको मैंने R1 में है 24, तो इसको मैंने कहा A of 24, मतलब A अरे के अंदर 24th जो एड्रेस है मेमोरी का उस पर जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है वहां से जो स्टार्ट हो रहा है उसको लोड कर दो R2 के अंदर। तो वहां पर एलिमेंट पड़ा हुआ था 24 पे, तो उसने 2 को लोड कर दिया R2 रजिस्टर में, यानी मतलब 2 को लोड कर दिया R2 रजिस्टर में। इसके अगर आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी इसको अगर मैं साथ साथ अगर मैं C का कोड भी इसके लिखूं तो वो इस तरह कर सकते हैं कि R1 डिवाइड 8, यानी कि R1 में था 24, अगर इंडेक्स की बात करूं तो 24 को R से डिवाइड करें तो 3, मतलब A ऑफ 3 जो है वो R2 में स्टोर कर दे। अब R2 में आ गया आपके पास 3, R2 में आपके पास वैल्यू निकल के आ गई 2, क्योंकि A of 24 byte पड़ा हुआ है 2, तो वो R2 में आ गया। अब उस आपने ये जो 2 आया ये आपने आंसर को B में स्टोर कर लिया क्योंकि आपको आंसर B में चाहिए था। इस तरह से आपने जो है तो उसका आंसर दिया A of I का B में स्टोर किया। इसी तरह से अगर मैं थर्ड एग्जांपल को देखूं तो थर्ड एग्जांपल में हम इसका कुछ रिवर्स कर रहे हैं, मतलब वी आर स्टोरिंग अ वेरिएबल वैल्यू इन टू एन अरे। अगर एक वेरिएबल है सी उसको मैंने अरे के एक इंडेक्स ए ऑफ जे पे स्टोर करना है। अब इसकी अगर मशीन इंस्ट्रक्शंस लिखनी हो तो वो किस तरह की होंगी, ये आपकी मशीन इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले मैंने जो सी वैल्यू थी जिसको स्टोर करना था उसको मैंने R1 रजिस्टर में लोड कर दिया, मतलब R1 रजिस्टर के अंदर मैंने सी जो वैल्यू थी उसको लोड कर दिया। अच्छा, उसके बाद जे जो इंडेक्स था जिस इंडेक्स पे जाना था उसको मैंने R2 में लोड कर दिया, मतलब R2 के अंदर जो जे इंडेक्स था उसको मैंने लोड कर दिया। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर भी मुझे कुछ एड्रेसेस ही बताने हैं। अब अगर तो मुझे उस अरे के सपोज थर्ड इंडेक्स पे कोई चीज़ रखवानी है तो थर्ड इंडेक्स मुझे यहाँ सपोज यहाँ पर चीज़ रखवानी है तो इसका मतलब है कि मुझे उसको 24 देना है। 3 तो मेरे पास है कि मुझे जे मेरे पास 3 है कि किस इंडेक्स पे रखवाना 3, तो उस 3 को जो मैंने R2 में स्टोर किया है जे को आपने मल्टीप्लाई किया 8 से ताकि 3 मल्टीप्लाई 8 होके वो उसका एड्रेस बता दे 24। और ये 8 से मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो 8 बाइट्स का जो है ना वो एड्रेस है, तो ये हो गया 24 और उस 24 को आपने स्टोर किया R2 के अंदर, यानी कि R2 में वो आ गया 24। अब मुझे स्टोर करना है क्योंकि मुझे अरे के अंदर स्टोर करना है तो मैंने लिखा ST अरे है A का जो आपका R2 वाली मेमोरी यानी कि 24, यानी कि A का जो 24th लोकेशन है 24th एड्रेस लोकेशन है उस पर R1 की वैल्यू यानी कि जो C है उसको स्टोर करना है। तो उसने 24th लोकेशन पे यानी कि थर्ड इंडेक्स पे इधर जो आपने वैल्यू दी थी उसको यहाँ पर उसने स्टोर कर दिया। इसी तरह से हम अब एग्जांपल नेक्स्ट है हमारे पास जो डील करती है गो टू स्टेटमेंट के साथ, मतलब जंप एक कंडीशनल जंप है। तो ये मेरे पास एक फॉर एग्जांपल 3 एड्रेस स्कीम में एक कोड है, इफ एक्स लेस देन वाई देन गो टू एल, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है तो जो एल आपके पास एक लेवल है उस पर चले जाओ। तो इसको मैंने सबसे पहले जो एक्स को R1 में लोड किया, वाई को R2 में लोड किया, उसके बाद हमने R1 माइनस R2 किया, यानी कि R1 में से R2 निकाला। अब यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई माइनस का ऑपरेशन नहीं है लेकिन हमने फिर ये क्यों किया। बेसिकली ये हम R1 माइनस R2 हमने किया है इस कंडीशन को चेक करने के लिए। जैसे कि अगर आप देखें, अब आपको पता है कि R1 में है, R1 में X स्टोर है और R2 में Y स्टोर है। तो अगर मैं हम R1 माइनस R2 करेंगे इसका मतलब है कि मैंने किया है X माइनस Y। तो अगर X माइनस Y का जो जवाब है यहाँ पर मेरे पास, अगर तो वो जो भी आएगा उसको मैं स्टोर कर लूँगा R1 के अंदर। अच्छा, अब अगर तो इस X माइनस Y का जवाब यानी कि R1 माइनस R2 का जवाब
अगर तो इसका जवाब नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो x लेस देन ना वाई से, यानी कि अगर इसका जवाब नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब है कि जो x है ना वो छोटा है y से, यानी कि x में सपोज 2 है और y में अगर 3 है तो इसका जो जवाब होगा वो नेगेटिव में आएगा। और अगर इसका जवाब नेगेटिव में नहीं आया, 0 या पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब है कि x बड़ा है। तो अगर तो x माइनस y उस वक्त ट्रू होगा जब इसका जवाब नेगेटिव में आएगा, यानी कि लेस देन 0 होगा, और वो मेरे पास R1 में स्टोर है जो भी इसका जवाब आएगा। तो मैंने यहाँ पर फिर ये कंडीशन लगाई, ये कंडीशनल जंप लगाई BLTC, मतलब कि ब्रांच लेस देन 0 R1, यानी कि R1 को चेक करे और ब्रांच उस वक्त करे जब लेस देन 0 है। तो अगर R1 लेस देन 0 है इसका मतलब है कि ये ट्रू है, तो ब्रांच कहाँ पर कर दे, L पे। तो इस तरह से जब ये R1 की वैल्यू लेस देन होगी 0 से तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी और हम चले जाएंगे अपनी जो ब्रांच है L पे। इस तरीके से हम इसमें चेक कर सकते हैं। अब कुछ टेक होम एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए जो कि आपने परफॉर्म लाजमी करनी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ही हैज जनरेट कोड फॉर फॉलोइंग 3 एड्रेस स्टेटमेंट्स अज्यूमिंग ए एंड बी आर एरेस हुज एलिमेंट्स आर 4 बाइट्स वैल्यूज, कि ए और बी जहाँ पर भी लिखे हुए हैं उनको आपने सपोज करना है कि वो अरेज हैं जिसकी 4 बाइट्स की वैल्यूज़ हैं। तो एक तो इसका पार्ट ये है कि एक 4 स्टेटमेंट सीक्वेंस है, सीक्वेंस है मतलब 4, ये एक ही क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट की सीक्वेंस है, ये 3 स्टेटमेंट की सीक्वेंस है, ये भी 3 स्टेटमेंट की सीक्वेंस है, और हम ये सारा कुछ देख चुके हैं। इसके अंदर आप देखें कि a ऑफ i की वैल्यू x में जा रही है, b ऑफ j की वैल्यू y में जा रही है, फिर y की वैल्यू a ऑफ i में आ रही है और x की वैल्यू a ऑफ j में जा रही है। इसी तरह से बाकी भी दो हमारे पास कुछ ये स्टेटमेंट्स हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है वो रिलेट करता है जंप से, जो हमारे पास कंडीशनल जंप होती हैं कि अगर x लेस देन y है तो गो टू L1, मतलब L1 लेवल पे चला जाए, और अगर नहीं है तो z इक्वल टू 0 करे और L2 लेवल पे चला जाए। L2 लेवल सपोज कोई होगा। इस तरह से 3 है, s इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, ये लेबल लगा हुआ है L1 का कि अगर i की वैल्यू ग्रेटर है n से तो L2 लेबल पे चला जाए, ये L2 लेबल है, और अगर s इक्वल टू s प्लस i, i इक्वल टू i प्लस 1 और गो टू L1, और तो यहाँ से चला जाए L1 पे, और ये L2 लिखा हुआ है, s माइनस 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी से एक्सरसाइजेज ली गई हैं, तो आपने ये लाजमी परफॉर्म करनी है।